छतरपुर जिले में हुई हीरा खदानों की नीलामी को लेकर खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि हीरा खदान की नीलामी में बिरला ग्रुप ने बाजी मार ली है। 50 साल तक के लिए बिरला ग्रुप को हीरा की खदान का अधिकार मिला है। बिरला ग्रुप को 2 साल के भीतर काम शुरू करना होगा। इसके अलावा सरकार और भी खनिजों की नीलामी करेगी। हर साल इस खदान से सरकार को 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे। अडानी बिरला ग्रुप इसमें और अंततः जो है बिरला ग्रुप को इसमें फाइनल जो बिड हुई है बिरला ग्रुप को हुई है, जिसको 2 साल के अंदर उसको काम चालू करना सारी अनुमति लेके और उनको 50 साल के लिए वो खदान उनको दी गई है। और उससे अनुमान है हमारा कि लगभग 1500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सरकार को से आने वाले समय पर मिलेगा। उसमें पहले नीलामी उस तरीके से नीतिगत तरीके से नहीं हो पाई थी। आपने देखा कि हमने नई रेत नीति बनाई और इसमें हमने ये प्रयास किया कि प्रदेश में ऐसी कोई भी खजाना बाकी नहीं रहना चाहिए जिससे अवैध उत्खनन हो। हमने 438 नई खजाने चिन्हित करके उसको भी टेंडर में रखा है। वही खजाने हुआ करते थे 438 जिससे अवैध उत्खनन होता था। और अब प्रदेश में किसी भी खजान से रेत निकलेगी तो ये 100% सुनिश्चित है उसका पैसा सरकार के खजाने में जाएगा। हमने सारे लूट के रास्ते अपने बंद कर दिए हैं और यही परिणाम है कि जो पैसा पंचायत के नाम पर, किस ठेके के नाम पर, सब नेताओं के जेब में जाता था, खनिज माफियाओं के जेब में जाता था और भी लोग हैं पुलिस के जेब में जाता था, हमने इसको सब खत्म कर दिया है। सारा पैसा सरकार के खजाने में अब आएगा। यही कारण है कि जहां 240 करोड़ मिलता था अब सरकार को लगभग 1400 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा। उसी तरह से नई खनिज नीति उन्होंने जो बनाई है उसका परिणाम है कि हीरा, बॉक्साइट, ग्रेफाइट का भी टेंडर लगा, ग्रेफाइट का भी टेंडर हुआ है, उसको रायपुर की एक कंपनी ने उसको भी लिया।